इसमें ला रिम्स अल्लाम डी एस हो फिर आप सब खैरियत से होंगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैक्स्ट टॉपिक विच इज़ एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था uh, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टाइन सॉलिड्स और वहाँ पर हमने एलोट्रोप्स की भी बात की थी कि एलोट्रोप्स uh, क्या होते हैं तो आज हम वन बाई वन देख रहे हैं कि आया कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास आ जा जाता है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर एग्जिस्ट करता है फोर एलोट्रॉप फॉर्म्स में ठीक है फर्स्ट वन इज रोमिक सल्फर विच इज़ नॉन एज एल्फो सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बीटा सल्फर भी कहा जाता है प्लास्टिक सल्फर जिसको गैमा सल्फर भी कहा जाता है और साथ में आ जाता है आपके पास एमोफोस सल्फर ठीक है फर्स्ट वन इज रोमिक सल्फर इट इज़ ब्राइट येलो इन कलर एंड स्टेबल बिलो 96 सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड ये ब्राइट येलो इसका कलर होता है ठीक है और ये 96 सिक्स डिग्री जो टेम्परेचर होता है उससे बिलो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है ठीक है इट इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड मेड अप ऑफ एस एट मॉलिक्यूल्स ठीक है इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इमेज में अगर मैं आपको बता भी दूं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अलोट्रोप um, ऑफ़ सल्फर विच इज़ रोम्बिक सल्फर जिसमें आपके पास आप काउंट भी कर लें तो यहाँ पे कितने सल्फर मौजूद हैं आठ सल्फर मौजूद हैं ठीक है, है ठीके? और इसका uh, हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं दिस इज एस एस एट ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि सल्फर जो है वो uh, सल्फर के एट एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ठीक है और इस तरह का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ठीक है uh, फिर नेक्स्ट uh, आपके पास आ जाता है यहाँ पे अगर हम मोनोक्लिनिक mm, सल्फर की बात करें पहले हम मोनोक्लिनिक सल्फर की बात कर लेते हैं और उसके बाद में आपको ये जो इनकी कन्वर्जन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ठीक है मोनोक्लिनिक सल्फर इट इज़ क्रिस्टनाइज सॉलिड एंड इट्स स्टेबल बिटवीन 96 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 119 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है हमने पिछले सल्फर की बात ये थी की थी कि जो आपके पास फर्स्ट था रोमिक सल्फर वो 96 डिग्री टेम्परेचर से कम पे और उस तक के टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है जबकि आपके पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है विच इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र मोनोक्लिनिक सल्फ़र की अगर हम बात करें तो ये 96 डिग्री टेम्परेचर से लेके 119 डिग्री डिग्रीज टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करता है ठीक है इट इज़ कन्वर्टेड टू रोमिक सल्फर एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ही अगर आप इसको कोई अ, मतलब उस तरह से हीट वगैरह ना करें रूम टेम्परेचर पे ही ये रोमिक uh, सल्फ़र में एग्जिस्ट कर सकता है आपको याद होगा हमने इससे पिछली वीडियो में ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात की थी ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है इस पर एलेक्ट्रॉप्स दो एग्जिस्ट करते हैं या दो से ज़्यादा की फॉर्म्स में एग्जिस्ट किए जा सकते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो आपके पास uh, कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक से ज़्यादा एलोक्ट्रॉपिक फॉर्म में जब एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं तो यहाँ पे अगर हम रोम्बिक सल्फर की बात करें और मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड या नाइन्टी uh, से नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है उसमें आपके पास जो सल्फर है ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है ये एक लिबियम स्टेट में आ जाता है दिस इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर जो इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दो फॉर्म्स में सल्फर एग्जिस्ट उ करता है ठीक है फिर आ जाता है नेक्स्ट uh, आ जाता है आपके पास प्लास्टिक सल्फर ठीक है सल्फर की बात कर नाउ मूविंग टूअर्स प्लास्टिक सल्फर प्लास्टिक सल्फर क्या है इट इज अ सुपर कूल लिक्विड इफ येलो सल्फर इज हीटेड टू बॉइलिंग एंड पोर्ड इन टू वॉटर इट विल रोल अप एंड प्रोड्यूस प्लास्टिक लाइक रिबन्स इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू एलोट्रोप ऑफ सल्फर बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन नेचर एंड इनसोलबल इन हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्लास्टिक सल्फ़र होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसे बनता है ठीक है प्लास्टिक सल्फ़र की अगर हम बात करते हैं तो ये है सुपर कूल लिक्विड ये एक ऐसा सल्फ़र का एलोट्रॉप है जिसको आप किसी भी सल्फ़र को मेल्ट करके और हीट करके बॉयलिंग तक ले जाते हैं और उसके बाद जब आप उसको डालते हैं ठंडे पानी में तो वो अम, ठंडे पानी में जाने के बाद रिबन लाइक -like स्ट्रक्चर में प्लास्टिक की रिबन लाइक -like स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है उसको हमने नाम दे दिया है प्लास्टिक सल्फर का ठीक है यानी कि आप क्या करते हैं सल्फर को लेते हैं सल्फर जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली उस सल्फर को जब आप मेल्ट uh, करते हैं सिंपली हीट करते हैं हीट करने के बाद जब वो थिक लुइड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसका टेम्परेचर बॉइलिंग लेवल तक पहुँच जाता है उसको आप ठंडा करने के लिए जब ठंडे पानी में डालते हैं तो उसी तरह से जैसा अभी यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो जा, डलता जा रहा है पानी में ऑब्वियसली तो आ, वहाँ पे वो क्या कर रहा है फ़ौरन से कन्वर्ट होता जा रहा है प्लास्टिक स्ट्रक्चर में और ये रिबन लाइक -like स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू एलेक्ट्रॉप इसको सल्फर का ट्रू um, एलोट्रॉप नहीं कहा जाता ठीक है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है इलास्टिक होता है ठीक है ऑब्वियसली ये इस तरह की क्रिस्टलाइन नेचर में एग्जिस्ट uh, uh, नहीं करता इसीलिए इसको हम ट्रू जो एलोट्रॉप है वो नहीं कहते हैं ठीक है थीके? और ये इलास्टिक भी होता है और इसी के साथ साथ ये हाइड्रोजन सल्फाइड में इंसॉलिबल होता है और लास्ट में आपके पास आ जाता है अमार्फ़स सल्फर अमॉरफस सल्फर क्या है इट इज़ इरेगुलर क्रिस्टलाइन शेप विच मे बी कॉल्ड एज अमार्फस ठीक है इसको हमोफस हमने इसलिए कह दिया क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होती इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है ठीक है uh, जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा ना कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसलिए हम उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं लेकिन अगर हम अमॉफिस सल्फर की बात करें तो इसकी इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है नेचर uh, इसकी क्या होती है रेगुलर क्रिस्टलाइन इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं अमोफिस कह रहे हैं ठीक है इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता इट मे बी प्रीपेयर्ड बाई पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम ये हमारे पास uh, कैसे बनता है जब कभी भी हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करते हैं वाटर uh, में से ठीक है द सेचुरेटेड सोलूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सो अपटेन इज एक्सपोज टू एयर ठीक है अब ऑब्वियसली जब कभी भी आप हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे और एज अ रिजल्ट सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे ठीक है उस सेचूरेटेड सोल्यूशन को जब आप एयर में एक्सपोज करेंगे तो आपके पास एमोर्फस सल्फर प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है और ज़्यादातर इसका जो कलर होता है वो क्या कलर होता है वाइट कलर होता है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर और सल्फर की फॉर्मेशन हो रही है तो दिस इज़ ए सल्फर जो कि अनदर फॉर्म आ जाती है सल्फर की ठीक है एलोट्रोपिक फॉर्म भी कहा जाता है इसको होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू